हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स अबाउट डॉग दैट यू शुड स्टॉप बिलीविंग। कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि डॉग को अगर ये करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, डॉग्स ओनली कैन सी ब्लैक एंड वाइट कलर। जैसे हम ह्यूमंस कई सारे कलर्स को देख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, ग्रीन, वाइट, हर तरह के कलर को हम देख सकते हैं। वैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि डॉग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। डॉग भी कलर को देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रे, ब्लू एंड येलो कलर्स को ही देख सकते हैं। यानी हम जैसे हर कलर में देखते हैं दुनिया को, वो सिर्फ ग्रे, ब्लू एंड येलो कलर्स में ही देख सकते हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इन कलरों के कारण वो लोग जो है इजीली हंट कर सकते हैं डॉन एंड डस्क में। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि डॉग जो है मोशन नोटिस करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई भी मोशन को आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड, डॉग इट्स ग्रास व्हेन दे आर सिक। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी डॉग सिक होता है, यानी बीमार पड़ता है, या फिर उनके पेट में कुछ गड़बड़ होती है, तो वो ग्रास खाते हैं। तो ये दोस्तों, ये एक ट्रू फैक्ट है। कभी कभी जो डॉग होता है उनके अपसेट स्टमक के कारण वो ग्रास खाता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ जो 15% से लेसर है, उनमें ये बताया गया है कि डॉग अगर बीमार ना हो तो भी कभी कभी उसे खाते हुए देखा गया है ग्रास, या फिर उसके साथ लेट के खेलते हुए। तो इसकी कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग अगर सिक हो तो ही खा रहा हो। और अगर आपका डॉग ग्रीन स्टफ़ खाता है तो उसके कारण उसको क्या बेनिफिट होते हैं? तो उसके कारण उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, इंटेस्टिनल जो वर्म्स होते हैं उनको ट्रीट करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में मदद करता है, न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करता है, जैसे कि फाइबर्स हुए। तो यही सब कारण है अगर आपका डॉग ग्रास खाता है तो ये सब वजह हो सकती है। थर्ड, डॉग कैन एक्सप्रेस गिल्ट। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डॉग गिल्ट और शेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। डॉग फियर, सैडनेस एंड जॉय को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कई सारे स्टडीज़ में यह बताया गया है कि डॉग में जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो नहीं होती, और इसी के कारण वो सेकेंडरी इमोशन फील नहीं कर पाते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि गिल्ट और शेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डॉग आपके फेवरेट चीज़ कोई खाने की वो उठा ले, या फिर कुछ ऐसी चीज़ घर की वो तोड़ दे, तो उनको कुछ भी गिल्ट या शेम महसूस नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉग को आपकी कदर नहीं है या फिर परवाह नहीं है, उनमें जो सेकेंडरी इमोशंस नहीं होते, इसी कारण ये होता है। और जो आप इनोसेंट फेस या मासूम फेस देखते हो जो उनकी गलती करने के बाद, वो इसलिए होता है कि आप एंग्री बॉडी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, जो आपकी टोन होती है वॉइस की वो बदल जाती है, इसी के कारण उनका वो रिएक्शन होता है। फोर्थ, डॉग वेग देयर टेल व्हेन दे आर हैप्पी। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब डॉग ज़्यादा ही खुश होता है, जब आपके साथ खेलने में हैप्पी फील करता है, तब वो उसकी जो टेल है उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाता है। ये सब आपने कई बार देखा होगा और कई बार सुना भी होगा, लेकिन ये एक मोस्ट कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन है कि डॉग उनकी टेल हिलाते हैं जब वो खुश होते हैं, क्योंकि जो डॉग की बॉडी लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। और हाँ, डॉग जब खुश होता है, जब वो अपनी पूँछ को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, लेकिन यही चीज़ें वो जब फियर में होता है, नर्वस होता है और एग्रेशन में होता है, तब भी ये करता है। तो अगली बार अगर आपको कोई डॉग ज़्यादा फास्ट उसकी जो टेल है उसको वैग करते हुए दिखे, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो खुश है, उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। नंबर फाइव, अ डॉग हु योन्स इज स्लीपी। कई सारे लोग मानते हैं कि जब भी डॉग को यौन आता है, यानी आलस लेता है, तब वो स्लीपी फील करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कॉमनली जब डॉग यौन करता है तो इसका मतलब वो उसका जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करता होता है। जैसे कि जब भी आप अपने डॉग को वेट से मिलाने ले जाते हैं, यानी डॉक्टर से मिलाने ले जाते हैं, तब वो यौन करते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि जो उसका स्ट्रेस है उसको रिलीव कर रहा होता है वो। और कभी कभी ज़्यादा उत्साह में भी वो यौन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग बोर्ड और स्लीपी महसूस कर रहा है। नंबर सिक्स, डॉग लिक योर फेस बिकॉज यू हैव सॉल्टी टेस्ट। आपने कई बार ऐसा देखा गया होगा कि डॉग जो है ज़्यादातर लिकिंग करता है जब भी आप उसके साथ खेलते हो, या फिर उसे किसी और डॉग से इंट्रोड्यूस कराते हो, या फिर कोई एनिमल से। ज़्यादातर मामलों में वो आपको लिकिंग करते हुए दिख रहा होगा।
तो अगर आपका डॉग आपको लिक करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो फेस पे उसका सॉल्टी टेस्ट है इसके वजह से करता है। असल में लिकिंग एक इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जो कि डॉग आमतौर पे क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं या तो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी और के साथ या तो आपके साथ। और लिकिंग साथ साथ एंड्रोफिन्स रिलीज करने में भी मदद करता है डॉग को, और इसी के कारण आपके डॉग को जो है कंफर्टेबल फील होता है। और अगर आपका डॉग आपको ज़्यादा लीक करता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका डॉग आपको क्लीन रखना चाहता है, आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, या फिर जो लिकिंग का सेंसेशन है उसको एन्जॉय करना चाहता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपके जो फेस पे सॉल्टी टेस्ट है उसके कारण आपका डॉग आपको लीक नहीं करता है। नंबर 7, रॉ मीट इज़ ओनली बेस्ट फूड फॉर डॉग। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि रॉ मीट होता है यानी कि कच्चा जो मीट होता है वो डॉग के लिए बेस्ट फूड होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। रॉ मीट के कारण आपके डॉग को कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप अपने डॉग को रॉ मीट कभी ना दें, हो सके तो उसको जो पका हुआ यानी उबाल के उस तरह से मीट आप दे सकते हैं, वो आपके डॉग के लिए सही रहेगा। लेकिन जो कच्चा मीट होता है या फिर कच्ची फिश होती है वो भी आप अपने डॉग को कभी ना दें। नंबर 8, ओल्ड डॉग कांट लर्न न्यू ट्रिक्स। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो ओल्ड डॉग्स हो जाते हैं यानी डॉग बड़ा हो जाता है तो वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वो अच्छे से ट्रेन नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से एक मिथ है कि डॉग को ट्रेन नहीं करा जा सकता जब वो ओल्ड हो जाए। आप ओल्ड डॉग को भी ट्रेन कर सकते हैं, वो भी उसी तरह ट्रेन होगा जैसे कि एक यंग पपी ट्रेन होता है, लेकिन इस मामले में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका ओल्ड डॉग को भी आप ऐसे ऐसे ट्रिक सिखा सकते हो जिन पे आप बिलीव भी ना करें। नंबर 9, डॉग्स एंड कैट हेट ईच अदर। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डॉग और जो कैट्स है वो एक साथ रह नहीं सकते, वो एक दूसरे को हेट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉग एंड कैट वो नेचुरल एनिमीज़ नहीं होते हैं। इस मामले में जो है बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर अर्लियर सोशलाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डॉग जो है सोशल एंड एक्टिव होते हैं, उसी जगह कैट की बात करें तो वो डिपेंडेंट एंड पैसिव होते हैं। ये उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप अपने डॉग को सोशलाइज करो या फिर कैट को अर्लियर सोशलाइजेशन करो, इन दोनों को अगर अच्छे से ट्रेन करो तो ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और बेस्ट एंड लॉयल रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। नंबर 10, अ डॉग माउथ इज़ क्लीनर देन ह्यूमन। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो डॉग का माउथ होता है वो ह्यूमन के मुकाबले क्लीन होता है और अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी कुछ सम टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, और कई सारे रिसर्च से ये पता चला है कि डॉग के जो माउथ में मोर देन 600 बैक्टीरियाज होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ह्यूमंस में जो माउथ होता है वो ज़्यादा क्लीन रहता है डॉग के मुकाबले में। डॉग की तरह ही ह्यूमंस में भी 615 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके माउथ में, और ये एक रिसर्च में पता चला है। तो दोस्तों ये थे कुछ मिथ्स अबाउट डॉग। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पार्ट 2 जल्दी ही ला दूंगा। तो मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।